हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी हैव टू प्रोवाइड यू फिजिक्स, जो 11th क्लास की है उसके फर्स्ट चैप्टर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फर्स्ट पार्ट इसका हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। बट उसके एमसीक्यू करने से पहले चार्ज एंड मासेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं हम वो क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज चार्ज एंड मास, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बॉडी में वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन मास ऑफ अ बॉडी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। बट मास ऑफ अ बॉडी क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी चार्ज तो बॉडी में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, लेकिन मास जो है वो क्या है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। द नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड। चार्ज क्वांटिजाइज होता है बट मास क्या है, द क्वांटिजेशन ऑफ मास इज जस्ट टू बी स्टेबलाइज्ड। द थर्ड रीजन इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमेशा कंजर्व होता है बट मास इट नॉट कंजर्व, एज इट कैन बी चेंज्ड इन टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। नंबर फोर डिफरेंस इज द फोर बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉलो इनवर्स स्केयर लॉ। यानी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है, दैट इज़ इनवर्स स्केयर लॉ। और जो फोर्स होता है बिटवीन दो मासेस में वो भी क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्केयर लॉ। नंबर फाइव, चार्ज कांट एग्जिट विदाउट मास। यानी जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिट नहीं करता बट मास कैन एग्जिट विदाउट चार्ज, लेकिन मास जो है एग्जिट कर जाता है विदाउट चार्ज। ओके, द नेक्स्ट इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट रेडिएशन। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएशन को एमिट करता है बट एक्सेलरेटेड जो मास है वो किसी भी तरह की कोई रेडिएशन को एमिट नहीं करता। द नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्स अकॉर्डिंग एज चार्जेस आर अनलाइक आर लाइक चार्जेस। ये बेसिकली सबको पता होगा कि जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव शो करते हैं। कैसे करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यू नो वेरी वेल। ओके, द नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, दो मासेज में ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में तो वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज ड्राइव्ड यूनिट, दैट इज़ वन कूलम इज इक्वल टू वन एस, एंड यूनिट ऑफ मास इज ए फंडामेंटल यूनिट। चार्ज की यूनिट ड्राइव्ड है मास, बट मास की यूनिट क्या, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट। ओके, दैट इज़ द चीफ डिफरेंस इज बिटवीन चार्जेस एंड मास। सो लेट्स स्टार्ट इट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज An object is charged when it has a charge imbalance, which means the object contain the unequal number of electron and proton. ठीक है, इट्स मीन ऑब्जेक्ट जो है वो charged है, जब ये charge imbalance करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन ऑब्जेक्ट contain कर रहा है unequal number of electrons and protons. The next question is question number 2, the cues of charging is दैट इज़ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग का क्यूज क्या है, चार्जिंग का कारण क्या है, दैट इज़ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द क्यूज ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड, इंसुलेटर को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लाइटनिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, लाइटनिंग किसका कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एयर। ओके, द नेक्स्ट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अभी बताया था आपको लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। ओके, जो चार्जेस है वो क्रिएट भी हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, लेकिन किस पेयर्स में, इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्यूज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का क्यूज क्या है, दैट इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? वन इज क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज नंबर टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटीरियल हुज वर्क फंक्शन इज लोअर टू द मटीरियल हुज वर्क फंक्शन इज हायर। इट्स मीन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मटीरियल में, लेकिन कैसे? जिसका वर्क फंक्शन लोअर होगा टू द मटीरियल हुज वर्क फंक्शन इज हायर। ठीक है, एक का लोअर वर्क फंक्शन होगा, दूसरे मटेरियल का क्या होगा? हायर वर्क फंक्शन होगा, तभी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। इट्स मीन वन स्टेट, सॉरी ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। सो द चार्ज इज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10^9 कूलम। ठीक है, ये इसका इक्वल में आ गया। सो द लास्ट क्वेश्चन इज बेसिक क्योज ऑफ क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिक क्योज क्या है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज का? ये पता था आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इसका क्यूज क्या है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज का? दैट इज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। ओके, यानी सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइस यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल वीडियो। एंड प्लीज गाइस कीप लर्निंग, कीप हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।